मकसद ये है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि टुडे वी कमेमोरेट इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। उर्दू में लोग इसको आलमी योम बर्दाश्त कहते हैं, लेकिन हम जरा बर्दाश्त का लफ्ज इस्तेमाल करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सो वी यूज आलमी योम रवादारी। तो चूंकि हमारी तहरीक रवादारी है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लिए बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी के लिए आज का दिन बहुत अहम है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस डे, क्योंकि दिन आज की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हालात के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि हमारे जनूबी एशिया के खास तौर पर हालात के कॉन्टेक्स्ट में ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1996 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के तौर पर डिक्लेयर किया था। आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया, हमारा समाज, चाहे वो पाकिस्तान का समाज है या किसी भी और मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हम सब डाइवर्सिटी पर अपनी मुआशरा, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा फिरका, हमारी जुबान, हमारी सकाफत, हमारा नजरिया, हमारी सियासी सोच, हमारे खाने पीने का अंदाज, पहनावे का अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है और होता है, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और दुनिया भर में खूबसूरती इसी डाइवर्सिटी से है, लेकिन जब हम इस डाइवर्सिटी का एहतराम नहीं करते, किसी भी समाज में जब इस डाइवर्सिटी का एहतराम नहीं होता, फिर वहां पर इंतशार की कैफियत पैदा होती है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव विटनेस्ड इन पाकिस्तान, दैट इन आवर स्टेट डाइवर्सिटी वॉज डिनाइड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्ट और क्रीड, बट अदरवाइज। यही वजह है कि ना सिर्फ वो लोग जो मजहबी अकलियत हैं पाकिस्तान में, वो नाखुश है, बल्कि वो कौमें जिनको हमने मुसलसल निगलेक्ट किया है, चाहे वो बलोच है, पश्तून है, वो सिंधी है, वो गिलगित के रहने वाले लोग हैं, वो सराइकी वसेब के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर वो दर्जा ना दिया गया जो शायद दूसरों को दिया गया, इसीलिए आज उनके ग्रीवेंसेस हैं। यहाँ पर खवातीन ये महसूस करती हैं और सही महसूस करती हैं कि उनके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट का मतलब हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जियो और जीने। मजहबी मानों में, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पर बहुत तबाही हुई है, यहाँ बड़ा खून खराबा हुआ है, 70-80 हजार अफराद की जाने हम गवा चुके हैं। तो मजहबी मानों में हम कह सकते हैं कि मेरा अकीदा छेड़ो ना और अपना अकीदा छोड़ो ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अकीदे का एहतराम करूँ, तो आप मेरे अकीदे का एहतराम करें, आप ना कमतर मुझे समझे ना मैं आपको कमतर समझू, ना हम बराबर का एक दूसरे को इंसान समझें। और इसमें जो जिस माहौल में आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड वी कंसिडर इट्स एन इंटरैक्टिव डायलॉग, हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे जो सामने बैठे मेहमान हैं वो अपनी गुफ्तगू को कूजे में बंद करें आज, और हम कुछ मौका जो है वो अपने जो हॉल में बैठे हमारे मेहमान हैं, और हॉल में बैठे मेहमान जो है वो बड़े पाए के लोग बैठे हुए हैं, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो मेरी ख्वाहिश हो गया दैट वी मेक इट एन इंटरेक्टिव डायलॉग। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है रवादारी तहरीक का, और हम रोज बरोज इस पे बात भी कर रहे हैं, वो है कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के बाद, मजहबी अदम बर्दाश्त के बाद, इतना ज्यादा सियासी कशीदगी का और सियासी अदम बर्दाश्त का बढ़ना जो है, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। जो कुछ पिछले 4-5-6 महीनों से हो रहा है पाकिस्तान में, हथियार पकड़ लो, मार दो, जला दो, गिरा दो, इस सारी सूरत हाल हमारे सामने है,
सियासी अदम बर्दाश्त, सियासी कशीदगी मुझे नजर आती है पीक पे है, और इतनी मजहबी अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के बाद, अगर उस तबाही के बाद अगर हम इस की तरफ गए तो वो नुकसान शायद इतना बड़ा होगा कि हमारी सोच से भी बाहर है। तो इसीलिए टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन काउंटर दिस रिलीजियो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस एक्सट्रीमिज्म, जो पहले भी वायलेंस का शिकार रहा है और अभी भी हमें उस तरफ जाता नजर आ रहा है। तो मैं अपना वक्तव्य जो है वो यहाँ बंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़े जबरदस्त स्पीकर जो है मौजूद है। उससे पहले सामने हॉल में तशरीफ रखनी है, आपका उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ सामने आ जाए, आपके बगैर नहीं जाएगा, आप इनके लिए भरपूर तालियां। मैं अपने मुकर्रीन का तारुफ जो है वो करवाता चलूं। आज जो हमारे की नोट स्पीकर हैं, वन एंड ओनली इरफान मुफ्ती साहब, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पिछली कोई तकरीबन 1.5 दहाइयों से इरफान साहब को सुन रहा हूं, एंड आई बिलीव ही हैज अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। तो इरफान मुफ्ती जो है वो आज गुफ्तगू को ओपन करेंगे, और फिर हमारे जो डिस्कशन है एक दो वो मुख्तसर गुफ्तगू जो है वो करेंगे, और आखिर में हम हमारी ख्वाहिश होगी कि बैरिस्टर आमिर हसन हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ ताहिर बिशप ताहिर सिल्वेस्टर भट्टी मौजूद हैं, जो ना सिर्फ मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी अकलियत को भी रिप्रजेंट करते हैं, बल्कि समाजी रहनुमा भी हैं, और हमारे वी हैव एन लॉ एक्सपर्ट काशिफ अलेक्जेंडर एडवोकेट साहब। हॉल में भी प्रोफेसर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, नादिया हमीद बैठी हैं, प्रोफेसर सलीम आसिम हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब भी लॉयर हैं, और इस तरफ एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, हॉल में भी बड़े पाए के लोग बैठे हैं। आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल टाइम टुगेदर, एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन। और मेरी गुजारिश होगी इरफान मुफ्ती साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और आज के मौजू को ओपन करें आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अहम दिन और सब्जेक्ट है जिस पर आज हम बात करेंगे। मैं इसलिए कि मैंने कुछ ऐसी तैयारी की है कि मैं चाह रहा था कि मैं इस पर कुछ बैकग्राउंडर भी दूँ। मुझे यकीन है कि मेरी गुफ्तगू से कुछ सोचने की राहें और बनेंगी। अब पहले तो ये है कि 1995 में यूनेस्को ने इस दिन को डे ऑफ टॉलरेंस डिक्लेयर किया, और ये 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ और मदन जीत अवार्ड जो प्राइज है वो उस दिन से शुरू हुआ, और यूनेस्को ने एक चार्टर ऑफ एक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस बनाए। तो इस हवाले से ये दिन बहुत सिग्निफिकेंट है कि नॉन वायलेंस की, और ये आपको याद होगा कि जब गांधी अपनी वकालत साउथ अफ्रीका से छोड़कर हिंदुस्तान आए एक जद्दोजहद करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा, एंड ही अनाउंस्ड व्हेन द गांधी केम टू इंडिया दैट आई विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ माई पीपल बट इट विल बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। सो यूनेस्को अडॉप्टेड दिस प्रिंसिपल इन इट्स डिक्लेरेशन ऑफ टॉलरेंस। सो 1995 में ये दिन सिग्निफाई हुआ और आज तक हम इसको एनुअली ग्लोबली मनाते हैं। हिस्ट्री देखते हैं कि क्यों ये जरूरत क्यों पड़ी कि एक टॉलरेंस का दिन भी मनाया जाए। जिन दोस्तों ने हिस्ट्री पढ़ी है दे वुड नो मच बेटर देन मी कि हम किस जर्नी से यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी मैं ग्लोबल बात करूँ। अगर 17th सेंचुरी से बात शुरू करूँ तो अगर आपको याद हो तो इट वॉज अ ईयर और एज ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस, बल्कि कुछ जो वॉर्स थी वो 30 ईयर्स तक चली, और यूरोप में काफ़ी
वायलेंस बढ़ गया। और अगर आपको ये भी पता हो कि ब्रिटिश सिविल वॉर भी इसी 17 सेंचुरी में हुई, उसकी जो बुनियाद थी वो रिलीजियस वायलेंस थी, यानी मजहबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। तो पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ गया, वायलेंस बढ़ गया, वॉर्स बढ़ गए। तो फिर एक सोच पैदा हुई कि हमें इससे निकलना कैसे, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ वायलेंस एंड साइकिल ऑफ वॉर। अगर आपने यूनेस्को की डेफिनेशन पढ़ी हो, जिसका जिक्र अभी सैमसन कर रहे थे, कि इट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली टॉलरेंस कैन गारंटी एग्जिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड सोसाइटी वेयर ईच पर्सन इज वैल्यू एंड रिस्पेक्टेड इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ टॉलरेंस। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट यूनेस्को नोट्स। तो 17 सेंचुरी में जब ये वॉर्स हुई और रिलीजियस बैटल्स और वायलेंस हुआ, तो फिर लोगों ने सोचा कि इसका कोई हल नहीं। चर्च एक्चुअली केम फॉरवर्ड और चर्च ने कहा कि हमें एक डायलॉग ऑफ टॉलरेंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि रिलीजन का जो इस्तेमाल जिस लहजे में किया जाता है वो खतरनाक है और इंसानों को मारता है और इंसानों के दरमियान एक तफरका और उसकी डाइवर्सिटी है उसको खत्म करता है और सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं और इन वीकर और इंफीरियर्स को हमने कंट्रोल करना है। तो एक डॉगमेटिक सोच के साथ लोग अपना तसल्लुत बढ़ाने के लिए दुनिया को अपनी नजरिए की भेंट चढ़ाते। सो 17th और 18th सेंचुरी में स्कॉलर्स ने इस पर बहुत काम किया और नए नैरेटिव्स बने, जिसमें अगर आपने वोल्टेयर को पढ़ा हो तो उसने बड़ी उम्दा बात ये कही, उसने कहा कि रिकंसीडरिंग द रिलेशन बिटवीन रिलीजियस बिलीफ एंड पॉलिटिकल पावर, कि रिलीजियस बिलीफ को और पॉलिटिकल पावर के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको रीडिफाइन करना, क्योंकि जब रिलीजन की सुपीरियरिटी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है तो फिर बिगाड़ पाए। अब आप इस थिन लाइन की समझिएगा, मैं जब पाकिस्तान पर आऊंगा तो आपको इसकी एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन याद करेगा कि हम गलती क्या करते रहे और हम कहां गलत रहे हैं और तारीख से हमने नहीं सीखा। तो उसने कहा कि हमें रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़ेगा रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल पावर। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल डिफरेंस को बढ़ाना चाहिए, हमें पता हो कि दूसरे कल्चर की वैल्यूज क्या है, हमें पता हो कि दूसरे रिलीजियस क्या सोचते हैं, हमें यह पता हो कि उनकी मोरालिटीज क्या है, उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, वो किस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसने कहा कि इसको बढ़ाओ, क्योंकि अगर हम अपने ही रिलीजन और अपने ही एथनिक और अपने ही कल्चरल उसका शिकार रहेंगे सुपीरियरिटी और एथ्नोसेंट्रिज्म का, तो हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो उसने उस जमाने में महसूस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दूसरों के कल्चर और उनके बारे में रिलीजन के बारे में भी बढ़ानी चाहिए। 18th सेंचुरी में बहुत सारे और स्कॉलर्स ने इस पर काम किया और सबसे अहम जो काम है वो वेस्टर्न फिलोसफर का, जिन्होंने कहा कि फोकस करो ऑन टॉलरेंस एट पर्सनल इंटरेक्शन इन दिस, हमें अपनी जात के साथ टॉलरेंस को पहले जोड़ना, अपनी जात के अंदर एक टॉलरेंस का रवैया लेकर, अगर हम अपनी जात में टॉलरेंट नहीं है तो हम फिर माशरे के इनटॉलरेंट फोर्सेस का हिस्सा जल्दी बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा जात का,
और आपको याद होगा ये जो मिस्टिक ट्रेडिशन है क्रिश्चियनिटी में या एशिया एशिया में सबसे पुरानी है लेकिन यूरोप में उसके बाद है कि इन अफराद को टॉलरेंस करना इंसानों के अंदर टॉलरेंस की सोच को बेदार करना और दूसरों के कल्चर रिलीजन के बारे में उसकी समझ बूझ बेहतर होना यही हल है और कोई हल नहीं। 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो लिबरल थॉट्स थे उन्होंने वो आ गया है और उन्होंने जिसमें जॉन मिल का नाम है कहा कि ओनली प्रॉपर लिमिट ऑफ लिबर्टी इज कि फ्रीडम और लिबर्टी की जो लिमिट है वो वहां खत्म हो जाती है जब जहां किसी को हार्म देते हैं नुकसान देते हैं तकलीफ देते हैं आपकी फ्रीडम वहां खत्म हो जाती है। आपकी फ्रीडम उस वक्त तक है जब तुम किसी को हार्म नहीं देते। आपको बात समझ आ रही है कि एक 400 साल की एक इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स है जो इसी तक यहां तक पहुंचता है कि जब तक आप इंसानों को डाइवर्सिटी और प्लूरालिटी की रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे और उनको ये वैल्यू नहीं देंगे कि जो दूसरा इंसान उसकी कोई भी स्किन कलर है उसकी कोई भी उसका उसका वर्शिप है उसका रिलीजन है उसकी कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो 350-400 साल की तवील जद्दोजहद है बड़े फिलोसफर्स की मेहनत के बाद यूरोप ने सीखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। रिस्पेक्ट टॉलरेंस। अब आइए जी हम कहां खड़े पाकिस्तान एक ऐसे बिलीफ के ऊपर बनाया गया कि जिसमें ये फियर शामिल था कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे और एक रिलीजियस मेजॉरिटी हमें रूल करेगी। सो इट वॉज द फियर ऑफ बीइंग माइनॉरिटी कि हमने पाकिस्तान की स्ट्रगल हमने शुरू की। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हमें यह था कि डोमिनेंट हिंदू मेजॉरिटी के अंदर अगर हम माइनॉरिटी मुस्लिम जिंदा रहेंगे तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सो एक फियर ऑफ बीइंग माइनॉरिटी था और एक फियर ऑफ बीइंग सब्जुगेशन था कि अगर ये रिलीजन हम पर डोमिनेट कर दो तो हमारा तो रिलीजन खत्म हो जाए। दैट वॉज द बेसिस ऑफ इस्लाम पाकिस्तान आइडियोलॉजी। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद अपनी मजहबी शनाख्त को महफूज करने की थी। वो अलग बात है कि जब हमने ये मुल्क बना लिया तो सबसे ज्यादा हमने परसिक्यूशन किन की थी जो हमारे अंदर बना तो फिर हमें मेजोरिटी से था वो हमने ट्रांसफर किया बीन अ मेजोरिटी टू बी करना। मैं गलत तो नहीं कह रहा 1952 में एक पैक्ट हुआ जिसमें ये तय किया ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया। ये मैं आपको ये स्टेटिस्टिक दे रहा था कि आपको ध्यान में रहे 47 में जब आपने पार्टीशन की सॉरी मैं उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहता क्योंकि पाकिस्तान वाज नेवर एग्जिस्टेड बिफोर 48 ऑफ ऑगस्ट 1947। इंडिपेंडेंट वो होता है जो एग्जिस्ट करता हो गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ। सो वी पार्टीशन्ड अवे फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट। तो उस वक्त यह सवाल उठा इवन हमारे पार्लियामेंट में उठा कि जी यहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्या हुआ। तो हमने एक गारंटी की स्टेट एड्रेस में कार्यालय ने कहा कि जी हमें आपके रिलीजियस होने से कोई रास्ता नहीं है, आप जिस मर्जी वर्शिप प्लेस पर जाए रियासत का सेक होता है। लेकिन 1952 में हमने पैक्ट लिखा नेहरू के साथ, हमने कहा कि हम यहां माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करेंगे और उनको पूरी फ्रीडम। So the journey started from being a majority and declaring that we will defend the rights and dignity and the life of minority. और हमने 52 के बाद
उसको बलेटेंटली वायलेट किया इन लास्ट 24 ईयर्स। मुझे नहीं पता हमें खर्चा क्या था। हमने इस्लामी तालीम शुरू कर, अच्छी बात है, आप पढ़ाएं, मजहब भी पढ़ाएं, कल्चर भी पढ़ाएं, लेकिन खतरा वहां आया जब आपने उस मजहबी तालीम के अंदर तकफीरी सोच डाल दी। अभी तकफीरी सोच क्या है? तकफीरी सोच यह है कि आप पायस हैं, आप सुपीरियर हैं, आप नोबल हैं, और जो आपकी आइडियोलॉजी के मुखालिफ है और उसके खिलाफ खड़ा है उसको फॉलो नहीं करता वो क्या है? वो इंफिडल, वो काफिर। और फिर इसके ऊपर हमारा एक पूरा फिका बना जिसने तकफीरी थॉट को प्रमोट करते हुए ये कहा कि वो लोग जो कि इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है देश भी है। ये आपकी दीवारों पर लिखा जाता है ना? नहीं, गर्दन सरतन से जुदा। दिस वॉज अ तकफीरी थॉट। और ये कहां से आपकी रिलीजियस तालीम में इसका वो हुआ, इसकी मदाखलत हुई? जब आपने यहां पर कैपिटलिस्टों के सो कॉल दुश्मन कम्युनिस्टों को मारने का ठेका लिया तो आपको जो 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 पैसा आ रहा था वो वहां से आ रहा था जो इस आइडियोलॉजी के प्रमोट थे। सो 80 के दहाई में हमने पूरा यू टर्न लिया और हमने एक फलसफा किताल, फलसफा झात, फलसफा तकफीरी हमने अपने तमाम कुतुब सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा। तो जो बुनियादी प्रिंसिपल से टॉलरेंस के, रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट टू प्लुरालिटी, को एग्जिस्टेंस, दूसरों के कल्चर और रिलीजन को स्पेस देने, वो हमने मार दिया। ये किताबें आज मैं ऐसी कम उठा रहा हूं, कितने लोग हर साल मारे जाते हैं मजहब फिरके के अंदर, थानों के अंदर, लॉकअप्स के अंदर से निकालकर कत्ल किए जाते हैं, घरों को जलाया जाता है, प्रोफेसर को उनके दफ्तर में स्टूडेंट जाकर मार देते हैं कि वो हमारे लिबास के ऊपर इतराज। इस किताब में कौन लिखी है कि एक शातिम को ऐसे चूने अपने खाने के अंदर कर दिया, किसी मजहबी जुनूनी ने नहीं मारा, एक थाने के एसएचओ ने अपने लैपटॉप के अंदर उसको मार दिया और उसने कहा कि मैंने आज, अब ये क्या है? हम आज भी 1985 के जा के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्न, हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर गवर्न नहीं होते, हम किस पर गवर्न हो रहे हैं आजकल? अब्दुल्ला बैठे हैं बताएंगे मेरे पास। हमारे सारे आइन की शक्ल रूह हमने बदल दी 1985 के अंदर जब हमने इसका पूरा करेक्टर एक इस्लामी बना और हमने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद ये रियासत भी इस्लामी है, रिलीजियस। और जब हम ये डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने ये तय नहीं किया कि जिस मजहब को अब हम रियासत का मजहब बना रहे इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, इसको डिफाइन कौन करेगा, कौन तय करेगा कि यह हनफी रियासत है या शाफी है या हमली है या मालिकी है या ये क्या है देवबंदी है या बरेली है, ये कौन सी रियासत है, किसके फिके के तहत चल रहा है? आज जो यहां पर सेक्टेरियन फसाद है वो इसी वजह से है कि हर कोई चाहता है कि इस रियासत के मजहबी आइडियोलॉजी को वो
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा ख्याल मुफ्ती साहब ने, जैसा कि सलाम साहब ने कहा, बहुत ही खूबसूरत नक्शा खींचा है। उसके बाद हम सब अपनी छोटी छोटी राय दे सकते हैं, इसके अलावा मजीद सब आप समझ चुके हैं। एक बात कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा ही बर्तन ना बन अपना तो बन। हमारे यहाँ टॉलरेंस की जो बात चल रही है और इनटॉलरेंस की, उसमें यही एक कमी है, क्या हम अपने भी नहीं बनते? हमें अपना बनने की जरूरत है। परसों मैं एयरपोर्ट पर था, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान से जाने वालों की लाइन में वेल ड्रेस्ड वेल एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग वो शो कर रहा था उनका लहजा कि दे वर ब्रिटेन में, लाइनें तोड़ रहे थे एक दूसरे का। अब मैं यही सोच रहा था एक डेढ़ घंटे के बाद ये कितने सीधे हो जाएंगे। टॉलरेंस या इनटॉलरेंस एक कैफियत का नाम है जो आपके माइंड में स्टेट ऑफ माइंड है, जो माइंड सेट खत्म हो गया है, और इसकी इब्तिदा हमारे घरों से होती है, फिर हमारे जो दस काम है, चर्चेस, मदरसा, मंदिर, इस सब से लगा। लेकिन सज्जन सावर पास साहब ने शुरू में बात की कि टॉलरेंस के साथ साथ इनटॉलरेंस, इन दोनों को बैलेंस करेंगे हम सोसाइटी को बैलेंस करेंगे। टॉलरेंस सज्जन भी कि आप इतने चुप हो जाएं, हालांकि मसीहों को तो कहा जाता है कि आपको सिखाया गया एक घाट पे मारे तो दूसरा फेल दो, मैं नजर फंस गई तो अब इसके हक में नहीं हूं। लोग पत्थर होंगे संजीदगी के नाम पर, खुदा का शुक्र है कि हम अभी जज्बाती हैं। इन टॉलरेंस को खत्म करने के लिए टॉलरेंस की जरूरत है, और टॉलरेंस के लिए इन टॉलरेंस भी में जरूरी है टॉलरेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बादशाह के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ना कि सिर्फ मजहब पॉलिटिकल लीडर्स बल्कि रिलीजियस लीडर्स। मैं समझता हूं कि मदर ही ज्यादा है फ्रॉम द मुस्लिम साइड या फ्रॉम हिंदू साइड या सिख साइड, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट मैं अपनी साइड से कहूंगा एज अ क्रिश्चियन कि खुदा की राशि की करो, जो ऊंचे हैं उनको नीचे करो और जिस नीचे हैं उनको ऊपर करो। हमें हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ताकि हम बैलेंस कर सके माशरे को, सोसाइटी को। अगर हम बैलेंस करना नहीं सीखते फ्रॉम आर रिलीजन साइड, रिलीजियस साइड, तो हम सोसाइटी में। और एक और बात आता हूं आपको, रसू क्या कहता है? रसू कहता है अपनी जात को जानना सारी दुनिया को जानने के बराबर है। जो शख्स अपने आप को समझता है वो जानता है कि दूसरा भी वही चाहता है, दूसरा भी वही उसी जिस्म का उसी गोश्त पोस्ट का बना हुआ, वो भी चाहता है उसे इज्जत मिले, वो भी चाहता है उसको पड़ोस में रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए। तो अगर ये चीजें एज अ रिलीजियस लीडर, एज अ मजहबी, एज अ टीचर्स हम अपने लोगों में इंप्लीमेंट करें, उनको लाएं, तो फिर ही मैं समझता हूँ हम मार्शल के अंदर और पॉलिटिकली तो बहुत ही बात में आता है। अगर हम आज सिर्फ पॉलिटिकली डिस्कस करें टॉलरेंस या इन टॉलरेंस को सोसाइटी के अंदर, तो वो भी नाजुक नहीं। जैसा मैंने कहा, बहुत खूबसूरत कहा, यूरोप से भी उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान में जो है जिक्र किया, पाकिस्तान जिस नाम से बना वो भी जिक्र किया गया, इनकी अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट मैं यही आपसे जो कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कहा कि अपनी जात के अंदर लाए, अपनी जात से टॉलरेंस को शुरू करें और डॉलर्स इंप्लीमेंट करने के लिए पत्थर ना हो जाए, थोड़े जज्बाती बने। जैसे कि मैं आज मिनोरिटीज को भी विक्टिम नहीं कहूंगा, क्योंकि आज फिर टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात हुई है, मैं एक शेर पे खत्म करूंगा, कितने जालिम हो कि चुपचाप सहे जाते हो सितम, कितने जालिम हो कि चुपचाप सहे जाते हो सितम, उस दिलो मैं तुम्हें मजबूत करूंगा।
Thank you, Reverend Sylvester Bhai Batik. It's always a pleasure to hear from you. और गुजारिशों की काशिफ अलग जनरल साहब इस गुफ्तगू में जो आप ऐड करना चाहें, खासतौर पर जो आपका लॉ का लेंस है उस हवाले से. लेकिन थैंक यू सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन के लिए आपने मौका दिया. ये जो सब्जेक्ट है टॉलरेंस, ये बड़ी विस्तृत और सीख सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम इतना बोल चुके हैं, इतना टाइम था हमारे पास, पूरा दिन बैठ जाएगा हम इसके मुख्य डिस्कशन करते रहेंगे. अभी कृपाल भाई ने बड़ा एक वसी चैनल सेट किया है कि उसके अंदर रहते हुए हम बात करें, लेकिन मैं उसको मखसूस टाइम भी नहीं करूँगी, तो मैं उसको बिल्कुल ही उसे करने की कोशिश करूँगा. पाकिस्तान अपने एस्पेक्ट के अंदर एक रिलीजियस स्टेट है, हम इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से, और उसी रिलीजियस स्टेट के अंदर रहते हुए हमें बहुत सारे एस्पेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा अपने बर्दाश्त का शिकार होना पड़ता है, खासकर मैं जिक्र करूंगा एज ए क्रिश्चियन होते हुए. उसके अंदर बुनियादी तौर पर हम लोग बड़ी आसानी से मजहब की बात कर देते हैं, हम मजहब के अलावा भी रिलीजियस तौर पर भी अपने बर्दाश्त का शिकार हैं. आज 1947 से लेकर 2022 का साल है, इस दौरान इस कम्युनिटी को इतना ज्यादा दीवार के साथ लगाया गया कि ना मजहबी तौर पर वो आजादी मिली, ना इनको कानूनी तौर पर कोई अपने कानून का इतलाक या उसको बनाने का मौका मिला. मेनोरिटी इससे ज्यादा क्या टॉलरेंस का मुजाहरा करें, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी कि वो दीवार के साथ लगी हुई है, उनके ऊपर कानून के नाम पर जुल्म किया जाता है, उनके ऊपर माशर्ती तौर पर जुल्म किया जाता है, माशर्ती तौर पर जुल्म किया जाता है, मजहबी तौर पर वो अपने बनाए हुए कवानी को इम्प्लीमेंट अपनी कम्युनिटी के ऊपर नहीं कर सकते. वो कवानी जो कि पर्सनल लॉ जो उनको खुद ही अपने ही लाइफ को गवर्न करने के लिए जरूरत है, उसको बनाने की कोई जानकारी नहीं है. पॉलिटिकली तौर पर उनके पास ऐसी नुमाइंदे मौजूद नहीं है. तो ये मैं तो कहूंगा कि हमारी मिनोरिटी कम्युनिटी जो है वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा है, और ये फर्ज है तौर मेजोरिटी कम्युनिटी का कि वो आगे आए और इस दिन के मौके से कि वो आगे आके हमें ये अपील करवाए कि वो भी बर्दाश्त करते हैं हमारे मजहब हमारी चीजों के हमारे माशरती मसाइल के मुताबिक बर्दाश्त रखते हैं, और आगे बढ़कर हमें अपने मुल्क के अंदर ये एहसास दिला सके कि हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं. लेकिन हफ्तर का जो शख्स की सोच रखता है और जो सोचता है कि वो इस दुनिया के पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो उसका दिमाग जो है वो फटने को कहता है कि मैं पाकिस्तान में एज अ मिनोरिटी होते हुए मैं कहां कहां के ऊपर और वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ. आज के दिन के अंदर फिर मैं करूंगा बात कि मेजोरिटी कम्युनिटी पर ज्यादा फर्ज आता है कि इस टॉलरेंस दिन के अंदर कि अपने सेक्टेरियन मसाइल पॉलिटिकल मसाइल से निकल कर कम्युनिटी को भी दिल से लगाए सीने से लगाए और उनके मसाइल का हल करें. आजकल आपने देखा होगा कि पॉलिटिकली तौर पर इंटॉलरेंस का मुजाहरा सरेआम हो रहा है, और पॉलिटिकल इंटॉलरेंस इस हद तक है कि अगर मेरा कोई व्यू किसी शख्स दूसरे को पसंद नहीं है या मैं किसी और पार्टी में हूँ, तो दूसरी पार्टी वाला शख्स इंतहा पसंदी की हद तक है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो शख्स अपना व्यू रखते हुए अपनी गाड़ी महफूज नहीं रख सकता, अपनी माशरती लाइफ नहीं महफूज रख सकता, अपना घर महफूज नहीं रख सकता, और उसके घर के ऊपर हमले हैं. और आज आप टीवी पे और ये चीजें देखते हैं, और आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि टॉलरेंस डे को इस तरह मनाएं और इस तजदीद के साथ मनाएं कि हम लोगों में ये रवैया पैदा करने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच काशिफ अलेक्जेंडर. और छोटी सी बात
बीच में करके अगले जो हमारे डिस्कशन थे उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। जहाँ पर यहाँ हमारे मुल्क में रवादारी को टॉलरेंस को बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे समाज में बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं और एक खूबसूरती ये है कि आज हम सब इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ मजहब से लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो जो हमारे समाज के अंदर या हमारी रियासत में अभी भी जो बची खुची रवादारी है उसको हमें महफूज करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, पढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं अभी चेयरमैन रवादारी तहरीक, मैं समझता हूँ कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी के राइट्स के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए अपफ्रंट होते हैं, वो खड़े होते हैं सामने। आई थिंक दिस इज टाइम टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट के यहाँ कुछ ऐसे इंसान भी बसते हैं जो वो ये नहीं देखते कि जो जिस पर जुल्म हुआ है उसका मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसकी जात क्या है, उसकी जिंस क्या है। ऐसे लोग भी हैं जो इंसान होने की बुनियाद पर गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। इस खूबसूरती को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे दरमियान रोजनामा मशरिक के एडिटर मेरे बड़े प्यारे दोस्त अशरफ सुहेल साहब तशरीफ लाए हैं। जो गुफ्तगू हो रही है उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि मुख्तसर अगर आप ऐड कर दें और फिर हम जो है वो जाएंगे बरिस्टर साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले दो बातें जो है वो आपने भी करनी होगी, जरूर आप उनसे सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत खूबसूरत मौका, बहुत ही ऐसा अनुमान और ऐसा मौजू जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को पिछले 75 साल से आज तक। और ये जो गुफ्तगू हो रही है रवादारी के हवाले से, इनटॉलरेंस के हवाले से, इसके ऊपर जो अभी बात की सैमसन सामत ने, मैं उसको उसकी पूरी तरह से तारीफ करता हूँ। उनसे पहले इरफान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान जब बना था तो दरअसल वो इस खौफ का रिएक्शन था कि जो अकलीत है, मुसलमान अकलीत है, वो कहीं हिंदू अक्सरीत के जुल्म का शिकार ना हो जाए या वो जुल्म उनके साथ इख्तियार किया जा रहा है वो आगे चलता ना जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो अकलीत या कम तादाद में लोगों ने अपने लिए मुल्क हासिल किया, उन्होंने इस रुख के दूसरे पहलू को गलतन सोचा ही नहीं कि जो हमारे साथ कम तादाद के लोग हैं हमें उनके साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए कि वो भी वही रास्ता इख्तियार ना कर लें जिस वक्त जो हमने आज इख्तियार किया। तो ज़रूरत है हमारे जो अक्सरीत के लोग हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, वो कोई भी हों, कि वो अपने से कम तादाद वाले लोगों को एहसास तहफ़ दें, एहसास मोहब्बत दें और उनको अपने साथ अपने बराबर के शहरी के तौर पर ना सिर्फ ये कि कबूल और तस्लीम करें बल्कि उनको अमली तौर पर इस बात का एहसास दिलाएं। दूसरी बात जो उनसे आज के मुंतजमीन हैं और इस तहरीक और इस सोच के लिए जिद्दत कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि रवादारी या इनटॉलरेंस जो है, अदम रवादारी जो है, दोनों अपनी अपनी हैसियत में एक एंटिटी है, एक उनका वजूद है। तो सोचने की बात यह है कि आज अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुआशरे में अदम बर्दाश्त या वो लोग जो कि इनटॉलरेंस पर बिलीव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, अगर वो इन पावर हैं तो वो क्यों हैं और वो इन पावर किन वजूहत की बिना पर इशू क्या है, सिलसिला क्या है। और हम लोग जो बाकी लोग, बाकी इसके अलावा दूसरी पॉकेट्स में हैं जो लोग उस अदम रवादारी का या उस इनटॉलरेंस का शिकार हैं, आप लोग वहाँ पर क्यों खड़े। एक सिंपल सा सुगला नेचर का कि हम जगह जब देते हैं तो दूसरा जगह को लेता है, तो हमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स को जगह दी है हमारे अपने रवैयों ने। या जैसे अभी भाई ने बात की कि हम जो एज ए उन्होंने किसी बात की कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं चीज़ों को, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से इनटॉलरेंस वाले आपकी जगह को ले रहे हैं या रवादारी की सोच रखने वालों की जगह पर गालिब हैं या कब्जा कर रहे हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक, उनकी सोच में अगर शिद्दत है तो आपकी सोच में जो बेहद है और आपकी सोच में जो एक मंतक है उसकी बुनियाद पर अगर थोड़ा सा उनको पीछे हटाने की कोशिश है। उन्होंने अपने तरीके से अपना रास्ता लिया है और अपनी प्लेस ली है, दे आर विलन एंड इफ यू आर हीरोज तो आप अपने हीरोइक वे में उनको थोड़ा सा पीछे हटाने की कोशिश।
कोशिश करें और आज के बाद इस तरह जरूर सोचें कि आखिर कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से हमें पीछे होना पड़ा है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क दरअसल अकलियतों का है, ये मुल्क अकलियत ने हासिल किया था, वो मुसलमान अकलियत थी या कोई भी अकलियत, और इस मुल्क की जो बुनियाद और सोच है उसमें यही था कि जो अक्सरियत का जुल्म है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो अक्सरियत का अगर जुल्म है, इनटॉलरेंस है, इनजस्टिस है, किसी भी शक्ल में है, पॉलिटिकल है, रिलीजन है या सोशल है, तो उस इनटॉलरेंस को और उस बुरे रवैये को उसकी वजूहात के साथ पहचानें और उस वजूह को सामने रखते हुए अपने रवैये को जरा सेट करें ताकि वो जो गैर जरूरी तौर पर आपके मुकाम पर कागज है उसको थोड़ा सा पीछे भी गिरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। एक भी बैठे काबिले तरह मेरे दोस्त इरफान मुफ्ती साहब, मैं रिसेप्शन सलामत का सबसे ज़्यादा शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाह रही हूँ कि आज कल रात से एक जो चारों तरफ जिक्र हो रहा है वो घड़ी का हो रहा है, तो घड़ी के टाइम में उन्होंने रवादारी के दिन के लिए इस महफिल का इत्माम किया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं पैदा मुसलमान घरानी में हुई लेकिन मेरा भी एक ऐसी माइनॉरिटी से ताल्लुक है जो शायद तादाद में सबसे ज़्यादा कम है, और वो माइनॉरिटी है जिसका एक इंसानियत पे यकीन है, वो जो सारे मजाहब की बराबर इज्जत करते हैं। मेरे लिए क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म सारे मजाहब जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, बराबर के हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें रवादारी के लिए सबसे मेरा तमाम मजाहब के साथ करीब इंटरेक्शन है, मुझे कुछ साल मौका मिला मजाहब को पढ़ने का करीब से, मुझे ये लगता है कि वी नीड टू राइज अबव आवर रिलीजियस एंड एथनिक बिलीव्स टू ब्रिंग पीस और टॉलरेंस इन द वर्ल्ड। ये जो मज़हब है, हर मज़हब के लोग ये मानते हैं कि वो अमन, उनका मज़हब अमन का दर्ज देता है, लेकिन लोगों की परसिक्यूशन ज़्यादा मज़ाहब की बुनियाद पे होती है। इरफान मुफ्ती साहब ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ भी एक गांधी थे जिन्हें सरहदी गांधी कहते हैं, बादशाह खान साहब, और बादशाह खान को जितनी देर वो जिंदा रहे उनकी परसिक्यूशन हुई क्योंकि वो नॉन वायलेंस की बात करते थे और गांधी से, महात्मा गांधी से उनकी दोस्ती और इंस्पिरेशन थी। हमारे मुल्क में लोग इंटॉलरेंट नहीं है, पार्टीशन से पहले भी इंटॉलरेंस ये नहीं था, लेवल नहीं था, ये स्टेट है जिसने, हमारी जो रियासत है उसने अपना एक नैरेटिव बनाया कि लोगों को, लोग आपस में लड़े, एक दूसरे को मज़हब की बुनियाद पे मारें और इनका ध्यान एक दूसरे में लगाए रखें और हमने जो कुछ करना है वो करते रहें। तो हमें रियासत के उस खेल को समझने की ज़रूरत है। हमें, मैं मुसलमान होने की वजह से इसलिए भी शर्मिंदा हूँ कि ये हमारे जो नॉन मुस्लिम है वो दिन ब दिन उनका नंबर हर सेंसस में पहले से कम होता जा रहा है। कभी वो 21% थे, फिर वो 16% हुए, फिर वो 10% हुए और अब वो 6% हैं। तो ये हमारे जो हमारी जो मेजॉरिटी पाकिस्तान है, हम दुनिया में फलस्तीन में, कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है, हम सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो कुछ हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए मेरे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो दोस्त हैं उनकी इतला के लिए कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने अपने ही एक सेक्ट को जो शियाज हैं उनकी बड़ी स्लॉटिंग की है, आए दिन हो रही है, आप सुनते होंगे कोल्टा में हजारा की किलिंग जो है वो शिया कम्युनिटी, इतने ज़्यादा लोगों को टारगेट करके मारा जाता है। तो हमें रियासत का जो ये नैरेटिव है जिसने ये जहर भरा है लोगों के अंदर, उसे हमें सब, हम सबको मिल के उससे लड़ना है और अपनी इंसानी, हमारे अंदर का जो इंसान है उसको बुलंद करना है, उसको इज्जत देनी है, क्योंकि जो आपके अंदर अगर जो का जो इंसान है वो कभी नहीं चाहता कि किसी को साथ जाती हो। तो अब हम सब मिल के अगर किसी
हिंदू बच्चे को उठाया जाता है तो हम सबको चाहिए कि हम सड़क पे आए, ये ना सोचे कि वो हिंदू है और हम क्रिश्चियन है। अगर किसी शिया की परसिक्यूशन होती है, शिया डॉक्टर्स को या धमाके में लोग मर जाते हैं, हम सब मिलके हमें इंसानियत के खिलाफ होने वाले हर जुर्म के लिए इकट्ठी आवाज उठानी चाहिए। और आप सब लोग जीते रहे और हम मिलके इस मुल्क को, जिन लोगों ने हमें रेडिकलाइज किया, जिनके पैसों से हमने गली गली और मोहल्ले मोहल्ले मदरसे बना के लोगों के अंदर नफरत फैलाई, अब वहाँ पे वो खुद लोग अपना पाक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ ओपरा हाउसेस बन रहे हैं। तो हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी हमें रेडिकलाइज करने के लिए पैसे मिले हैं, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन के लिए हमें खुद ही एफर्ट करनी है और हमें इस मुल्क को बेटी की तरफ लेके जाना। बहुत शुक्रिया आप सबके भरपूर तालियों में बैरिस्टर आमिर हसन। बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह सैमसन सलामत साहब का, उनकी तहरीक रवादारी का, कि जिन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए उस मौजू का चुनाव भी करते हैं और वो दिन भी सेलिब्रेट करते हैं जो होने चाहिए। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, जिसे आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, मुझसे पहले इरफान मुफ्ती साहब ने बड़े इल्मी अंदाज में एक पूरा थीसिस आपके सामने रखा है। और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी समाप्त करने की भी है सारे मुकर्ररीन की गुफ्तगू को, तो मैं अपने तय कोशिश करूंगा कि उसे करें। और मेरे लिए इरफान मुफ्ती साहब ने जहां एक हम सब के लिए खूबसूरत तरीके से सारी बुनियादी जो तस्वुरात हैं समाज के अंदर, जो अदम बर्दाश्त और इंटरनेशनली उन्होंने डिस्कस किया है और बर्दाश्त का या रवादारी का रास्ता क्या है उसकी तरफ बताया, लेकिन उनके एक फिक्रे ने जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है, मैं चाहूँगा कि मैं जब अपनी बात का आगाज करूँ उधर से करूँ, जो उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा मसला हमारा इंतहा पसंदी है। और बिल्कुल ये है। अच्छा, तमाम मुकर्ररीन ने कहा और आज हमारा जो टॉपिक भी है वो मजहबी अदम बर्दाश्त और फिर सियासी अदम बर्दाश्त दोनों की तरफ, तो मेरा जो अपना सोचने का जो है, ये जो मजहब है, मैं इतनी कैटेगरीज में तो पहले जाना नहीं चाहता। अगर मुसलमान हो जाए फिर से आपा है कि आप कौन से मुसलमान हैं। और बुल्ले ने कहा था ना कि एक मोहल्ला ते सत मसीता ते मैं किस दी करा पाबंदी, तो ये जो मुसीबत है ये बढ़ती जाएगी। हमें बुनियादी चीज की तरफ आना है। मैं हमेशा से इस दुनिया को दो ग्रोहों में तकसीम करता हूं। वो जो गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ग्रोह है दो, एक है आदमी और एक है इंसान। अच्छा, आदमी के कोई दर्जात नहीं होते हैं, आदमी आदमी ही रहता है, उसे भले आप आदमी कह लें भले घटिया आदमी कह लें, वो एक ही कैटेगरी में रहता है, उसके कोई दर्जात नहीं। हाँ, इंसान के दर्जात उसके बाद शुरू होते हैं। और क्योंकि मजहब जो है ये इंसान भी बनाता, ये मेरा यकीन है, मजहब हमेशा आदमी बनाता है। ये जो पोलो के लोग कहता है ना कि जब भी खुदा के बेटे आए हैं, या चले दूसरी तरह भी कह लें खुदा के आए हैं, कुछ भी कह लें रिश्ता आपकी मर्जी, जब भी खुदा वाले आए हैं उन्हें आदम के बेटे मार देते हैं। तो इससे पता चलता है कि दो ग्रोह हैं, दो ग्रोह हैं। अच्छा, कभी भी इंसान रिलीजन नहीं बनाता, मजहब नहीं बनाता, मजहब आदमी बनाता है। इकबाल ने भी कहा है, जहां पर इकबाल खूबसूरत बात करता है करता है, जहां पे रूमी से वो गाइडलाइन लेता है, तो वहां पे एक बाल कहता है कि
कि अक्ल यार है सो भेस बना लेती है, अक्ल यार है सो भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। तो और आसान किया इकबाल ने और मीर ने उससे पहले कहा था, मेरे नजदीक मजहब है आदमी का कारोबार, उसकी है दुकानदारी, और इंसान का काम है अपने मदारिज को बढ़ाने के लिए इश्क करना। वो मीर ने कहा था ना कि सख्त काफिर था जिनने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया, जिसने इश्क का मजहब इख्तियार किया वो तो काफिर हो गया। तो सानू काफिर काफिर आ देता तो वाह वाह वाह, इसकी घबराने की कौन सी बात है। तो अब दो मदारिज हैं, मैं चाहता हूं कि अगर हम मजाहब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो इस तरह की गुफ्तगू है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। आज की अदम बर्दाश्त मजहब की बदौलत नहीं है, आज की अदम बर्दाश्त इस वजह से है कि आज हम आदमियों का मुआशरा हैं, इंसानों का समाज नहीं। यह मुसीबत है हमारी, यहां से हमें एक कदम बढ़ाना है। मैं तो मजहब ही नहीं, मैं कैसे मानूं उसे। चले यहां पे अभी मुसलमानों की मेजॉरिटी की है 95, मैं कैसे मान लूं से मुसलमान जो इमाम हुसैन को तो मानता हो लेकिन वो यीशु मसीह से और सदारता से वाकिफ ना हो। मैं कैसे मान लूं उसे, मैं कैसे उसे हुसैन ही मानूं जो पहले मसीही नहीं है, जो मसीह को नहीं मानता। मैं कैसे उसे हुसैन ही मानूं जो पहले याहिया को जॉन द बैप्टिस्ट को नहीं मानता। मैं कैसे उसे मानूं जो सिद्धार्था को बुधा को नहीं मानता। ये नहीं हो सकता। मुकाबला हमेशा लड़ाई जब भी हुई है, कर्बला में भी हुई है, तो आदमियों ने इंसान का कत्ल किया और इंसानियत कत्ल होती रही है और आज भी हो रही है। और उसी को बढ़ाने के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर बाकी ये जो तनवो है, डाइवर्सिटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है। एक खाना भले आपका फेवरेट हो रोज खा के दिखाएं, तनवो में ही तो से वो कहते हैं क्या खूबसूरत फिलोसॉफिकल कोटेशन है कि डाइवर्सिटी इज द जेनरोसिटी ऑफ गॉड। ये जो तनवो है, मुख्तलिफ होना, ये तो खुदा की सखावत का नाम है कि रब ने इतनी मुख्तलिफ चीजें पैदा की हैं, इतना तनवो दिया है ताकि ब्यूटी आए, खूबसूरती आए, हुस्न आए। एक सी चीजों में भी कभी हुस्न हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी में भी कभी हुस्न होता है। हुस्न तो होता ही रंगों में है, डाइवर्सिटी में। अब हमें उसकी तरफ ये जो मुआशरा है और जिस तरह मुआशरे को लेके जाते रहे हमें उधर कहना है। पाकिस्तान का मसला ये है, बहुत सी गुफ्तगू हो गई, जिन्ना साहब ने कोशिश की 11 अगस्त की तकरीर में कि इस रियासत को स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ बढ़ाया जाए, और 11 अगस्त की उनकी तकरीर बड़ी वाजे थी। और वो की तकरीर मैं हमेशा कहता हूं किसी पंडाल में नहीं थी, किसी स्टेडियम में नहीं थी, अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के लिए नहीं थी, वो पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली में थी कि हमारा दस्तूर कैसा हो। इसलिए वो सबसे मोतबर और सबसे जरूरी तकरीर थी जिसे फरामोश कर दिया गया। अच्छा, 75 सालों में इन आदमियों ने मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की है जहां पे इंसान रह ना सके। इसमें बड़े बड़े विलन आए हैं, बड़े बड़े, लेकिन मुफ्ती साहब भी हैं, आपा भी हैं, सब भट्टी साहब तशरीफ फरमा है, जितने दोस्त हैं खुद सैमसन सलामत भी। पाकिस्तान के 75 सालों में जो एक विलन निकालना हो उसका नाम जनरल ज़िया है। एक विलन जिसने इंतहा पसंदी का यहां पे पौधा और बीज बोया
और पहले उसने मजहबी इंतहा पसंदी की आबियाई की। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम को जो कि कायदे आवाम था उसे फांसी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को यहां तक कहना पड़ा कि ये मुसलमान नहीं है। और जिस तरह से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा गया और लिखा गया हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद ये जो इंतहा पसंदी को अरूज मिलता गया, हमारी सोसाइटी इंटॉलरेंट होती गई। आज भी हैरानगी होती है, आप 60s और 70s का पीटीवी देखें तो बड़ा खूबसूरत, क्या कमाल, आज भी नहीं आप इतने रोशन ख्याल और खूबसूरत बातें कर सकते। आज भी रेशमा और परवेज में दीगा गोरी ये मैं जाना परदेश, आज आपके पास कोई चीज नहीं है, आज आपके पास कोई कल्चर नहीं है, आज आपके पास कोई सकाफत नहीं है, आज आपकी कोई जुबान नहीं है। मुझे इख्तलाफ है जो कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। चंद सालों से पाकिस्तान की कौमी जुबान बदजुबानी हो चुकी है। गालम गलोच हो चुकी है और हमें से कोई उठता नहीं, ना किसी मजहब का पैरोकार और ना कोई दानिश्वर। अब ये इंतहा पसंदी जनाब किसने खत्म करनी है, कौन उठेगा? कोई नबी और पैगंबर नहीं आएंगे, अब आप ही को उठना है, मसला भी आप ही का है, तो आप उठते क्यों नहीं, इसका सवाल है। अच्छा, इसने किया क्या है? मजहबी इंतहा पसंदी से होती होती अब ये बात यहां तक आ गई है कि अब ये सियासी इंतहा पसंदी इतने अरूज पे है और हमने अपनी जिंदगी में इतनी इंतहा पसंदी नहीं देखी। मैं जब से पैदा हुआ हूं सियासत देख रहा हूं, मैंने अपने वालिद को सियासत करते हुए देखा है, हमने गिरफ्तारियां भी देखी हैं, मैंने खुद भी जेल काटी है, खुद भी गिरफ्तारी देखी है। सियासी मुखालिफीन हुआ करते थे, कभी सियासी दुश्मन नहीं हुआ करते थे। ये नहीं होता था कि आपने एक दूसरे से कलाम नहीं करना, एक दूसरे से अफसोस का इजहार नहीं करना, ये दुश्मनी। अब ये जो इंटॉलरेंस आपके मजहबी से, और मैं आपको एक बात बता दूं, मजहबी इंटॉलरेंस से ज्यादा खतरनाक पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, क्योंकि मजहब कहीं ना कहीं, कोई भी मजहब हो, मैं फिर इस पर जोर दूंगा, कोई भी मजहब हो, वो अपने आप को सच साबित करने के लिए दूसरे को झूठा साबित करना लाजिम हो जाता है, ये जरूरत हो जाती है, ये जरूरत हो जाती है। उधर इंटॉलरेंस आएगी, वहां पे तो सिर्फ इंसान ही टॉलरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन पॉलिटिक्स किस लिए होती है कि समाज के अंदर इंटॉलरेंस को रोके। समाज में इंटॉलरेंस वो मजहबी है, वो मुआशी है, इंटॉलरेंस को रोकने के लिए सियासत होती है, ये सियासत का काम है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि यहां पे अदम बर्दाश्त सियासी माहौल के जरिए हमें तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया गया है। आज सियासी इंटॉलरेंस को कौन रोकेगा? अगर किसी मजहब के अंदर लड़ाई होती है तो वजीर आजम सदर आता है, बिठाता है। आज मुझे बताएं, आज कौन उठाएगा और कौन बिठाएगा और कहां पे आएगा? आज आपका अम, आज आपकी हम मांगी आज खतरे में है। ये नहीं है कि इस समाज में लोग पैदा नहीं होते हैं, इस समाज में इंसान पैदा होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये है कि आदमी ने इंसान कब बनना है, मेजॉरिटी ने उस तरफ कब चलना है। इसी सोसाइटी के अंदर मेरे ख्याल में मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल दी, बादशाह खान की मिसाल दी गई कि बेटे वली खान ने जदोजहद की है। इसी सोसाइटी के अंदर हमें फैज जैसे शायर भी मिलते रहे हैं, हमें जावेद जैसे शायर भी मिलते रहे हैं, जो कहते हैं कि हम का परचम लेकर उठूं, हर इंसान से प्यार करूं, अपना तो मंशूर है जालिब सारे जहां से प्यार करूं। तो यहां पे बात होती रही है पॉलिटिकल फिगर्स भी, लेकिन देखें टर्निंग पॉइंट क्या है। हमें सबको एक मैं नुक्ता दे रहा हूं, इसे सोचिएगा, आपका टर्निंग पॉइंट 27 दिसंबर 2007। एक औरत थी
जब ये आदमियों का समाज सिर्फ आदमियों का समाज नहीं रहा था, ये गुंग समाज हो गया था, गुंगों का समाज हो गया था, भगोरों का समाज हो गया था, भुस्तियों का समाज हो गया था। उस वक्त एक खातून उठी थी, उसने मजहबी इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों को नकेल डालने की बात की थी। उसने कहा था कि मैं रोकूंगी। उस वक्त आपकी रियासत भी उन्हें अपने बच्चे कहती थी, उन्हें बना के रखा हुआ था। तालिबान क्रिएट करने वाला हमीद गुल और वो ब्रांड था। जब वो लोग दहशत गर्दों को परवरिश कर रहे थे, एक औरत उठी और उसने चैलेंज किया और उसने कहा कि मैं इस मुल्क से दहशत गर्दी को खत्म करूंगी, और उसने जान दी। चंद देर के लिए सारे आदमी इंसान हुए। उसके लिए ऐसा कोई नहीं रोया जो जितना उसके लिए रोया, लेकिन उसके बाद हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसके बाद कोई ऐसी आवाज नहीं जो इतनी दलेरी से उठे और मुल्क के अंदर वो मजहबी अदम रवादारी हो या सियासी अदम रवादारी हो, उसे वो किसी तरह से चैलेंज कर सके। मैं समझता हूं वापस आऊं, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं, जुबानों को देखे, लहजों को देखे, तरबियतों को देखे और उसके बाद फैसला करें कि क्या इस मुल्क को नजरियाती सियासत की जरूरत है, क्या इसी तरह वो जो इफ्तिखार आरिफ कहता है कि ये बाहर लहजा नहीं धुन पे थिरकते हुए लोग, कि जब कहीं से धुन बजे और वो थिरकने लगे, क्या उनके जरिए सियासत करनी है? या आप लोगों ने फैसला करना है कि फैसला जरूरी है। समाज अपनी इंतहा पसंदी की भी इंतहा पे पहुंच चुका है, इसके बाद अब कोई रास्ता नहीं है। आज के दिन मेरे ख्याल से इसे हम सिर्फ ये ना बना के जाएं कि हम आए हैं और चले जाएंगे, एक बाइंडिंग फोर्स बनने की कोशिश करें अपने अपने घर में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने तबके में, अपने अपने समाज को क्रिएट करते हुए बाइंडिंग फोर्स। और फिर इर्द गिर्द देखें, इर्द गिर्द देखें कि क्या आपको कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसके लिए चर्च में जाना भी मसला ना हो और मस्जिद में जाना भी मसला ना हो। क्या कोई ऐसा सियासी रहनुमा नजर आता है जो मंदिर में भी खड़ा हो, चर्च में भी खड़ा हो, मस्जिद में भी हो, मजलिस में भी हो, हर एक के साथ मौजूद हो? तो अगर टॉलरेंस लेके आनी है तो फिर टॉलरेंट लोगों को आगे लाना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ आखिर पे साहिब लुधियानवी की चंद मिसरों पे कि ख्वाब बुने जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे आप कभी कुछ नहीं कर सकते, कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, मेराज फन के ख्वाब, कमाल सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोग वतन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचाए दारो रसन के ख्वाब, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपनी अमल की असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हया, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है आया, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो माल, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। मिनिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर वेरी थॉट प्रोवोकिंग थॉट्स एंड स्पीच। मैं थोड़ा गमगीन हो गया जब बीबी का जिक्र हुआ, हमेशा की तरह। एंड वी डू रिमेंबर होल पाकिस्तान, होल नेशन रिमेंबर हर सेक्रीफाइस, एंड टुडे वी डू रिमेंबर सलमान तासीर साहब। We also remember शहबाज भट्टी साहब। हम उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हुए, कुछ मारे गए, कुछ लाइन में लगे हुए।